नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। सोमवार भारतीय युवा कांग्रेस रसड़ा के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल एवं गैस की भारी मूल्य वृद्धि को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। रसड़ा डाक बंगला से नारेबाजी करते हुए शहर भ्रमण किया गया एवं गांधी पार्क में प्रदर्शन और नारेबाजी भी की गई और कहा कि मोदी सरकार के हर मुद्दे फेल हैं और आम आदमी का महंगाई से कमर टूट चुकी है। इसका जवाब युवा 2019 के चुनाव में जरूर देगा और जाति धर्म में उलझा कर अहम मुद्दों से ध्यान भटका कर किसी तरह चुनाव जीतना चाहती है। सरकार के खिलाफ हमें रैली है जो महंगाई को लेकर के, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के, राफेल जो घोटाला हुआ है उसको लेकर के। अब तक सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर रही है, सब चीज़ों को छुपा रही है और महंगाई से किसान से लेकर के नौजवान सभी लोग परेशान हैं। किसानों के हक के लिए उनकी लड़ाई लड़ी जा रही है आज और जनता को जागरूक किया जा रहा है कि सरकार को बदला जा सके इस तरह से। ये आपने पत्रक भी दिए हैं? हाँ, पत्रक दिया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।